हरिद्वार में उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली के नियम के अनुसार नगर निगम द्वारा विकसित किए जा रहे चौथी वेल्डिंग जोन सेक्टर 2 वेरियर से शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा किए गए शिलान्यास की शिला पट्ट का उद्घाटन किया। वहीं लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि आगामी 19 जनवरी को संगठन की 22 वर्षों की उपलब्धि के साथ ही नए लघु व्यापारी संगठनों को संगठन में सम्मिलित कर मुख्य धारा में लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इसके अलावा 20 जनवरी को रेडी पटरी दिवस पर विशाल जन चेतना रैली निकाली जाएगी। साथ ही नगर निगम क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज ज्वालापुर समेत अनेक क्षेत्रों में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को संगठित कर नई वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया जाएगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। ये मेरा प्रयास हैगा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली क्रियान्वित हो, और लगातार आपने देखा होगा, चाहे जब भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी हरिद्वार आए होंगे तो मैंने लगातार उन्हें किन्हीं न किन्हीं कारणवश और स्ट्रीट वेंडर के प्रस्ताव उनको दिए हैं। हमारा कहना यह है कि जहाँ पर हरिद्वार का सर्वांगीण विकास होना है, कॉरिडोर आना है, कॉरिडोर बनना है, उसे पहले पहले हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो समाहित हो जाने चाहिए। जितना भी हमारा स्ट्रीट वेंडर इस नगर निगम में पंजीकृत है, जिसमें 2555 लोग हमारे पंजीकृत हैं, उन्हीं को जो है अभी प्रथम रूप में वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे प्रथम रूप से हमारा ललतारा पुल का वेंडिंग जोन बना 50 की क्षमता का।